एक सेठ बस से उतरे, उनके पास कुछ सामान था। आसपास नजर दौड़ाई तो उन्हें एक मजदूर दिखाई दिया। सेठ ने आवाज देकर उसे बुलाकर कहा, मेरे घर तक इस सामान को ले जाने के कितने पैसे लोगे? लगभग आधे किलोमीटर का रास्ता है। आपकी मर्जी, जो देना हो दे देना, लेकिन मेरी शर्त है कि जब मैं सामान लेकर चलूं तो रास्ते में या तो मेरी सुनना या आप सुनाना, मजदूर ने कहा। सेठ ने डांट कर उसे भगा दिया और किसी अन्य मजदूर को देखने लगे, लेकिन उन्हें कोई दूसरा मजदूर नहीं मिला। मजबूरी में सेठ ने उसी मजदूर को बुलाया। मजदूर दौड़ कर आया और बोला, मेरी शर्त आपको मंजूर है? सेठ ने स्वार्थ के कारण हां कर दी। सेठ का मकान लगभग 400 मीटर की दूरी पर था। मजदूर सामान उठाकर सेठ के साथ चल दिया और बोला, सेठ जी, आप कुछ सुनाओगे या मैं सुनाऊं? सेठ ने कह दिया कि तू ही सुना। मजदूर ने खुश होकर कहा, जो कुछ मैं बोलूं उसे ध्यान से सुनना। ये कहते हुए मजदूर पूरे रास्ते बोलता गया और दोनों मकान तक पहुंच गए। मजदूर ने बरामदे में सामान रख दिया। सेठ ने जो पैसे दिए ले लिए और सेठ से बोला, सेठ जी, मेरी बात आपने ध्यान से सुनी या नहीं? सेठ ने कहा, मैंने तेरी बात सुनी ही नहीं, मुझे तो अपना काम निकालना था। मजदूर बोला, सेठ जी, आपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी, कल ठीक 7 बजे आपकी मौत होने वाली है। सेठ को गुस्सा आया और बोले, तेरी बकवास बहुत सुन ली, जा रहा है या तेरी पिटाई करूं? मजदूर बोला, मारो या छोड़ दो, कल शाम को आपकी मौत होनी है, अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सेठ थोड़ा गंभीर हुआ और बोला, सभी को मरना है, अगर मेरी मौत कल शाम होनी है तो होगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मजदूर बोला, तभी तो कह रहा हूं कि अब भी मेरी बात ध्यान से सुन लो। सेठ बोला, सुना, ध्यान देकर सुनूंगा। मरने के बाद आप ऊपर जाओगे तो आपसे यह पूछा जाएगा कि हे मनुष्य, पहले पाप का फल भोगेगा या पुण्य का? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन में पाप पुण्य दोनों ही करता है, तो आप कह देना कि पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। मजदूर चला गया। दूसरे दिन ठीक 7 बजे सेठ की मौत हो गई। सेठ ऊपर पहुंचा तो यमराज ने मजदूर द्वारा बताया गया प्रश्न कर दिया कि पहले पाप का फल भोगना चाहता है कि पुण्य का? सेठ ने कहा, पाप का फल भुगतने को तैयार हो, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हो। यमराज बोले, हमारे यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहां तो दोनों के फल भुगतवाए जाते हैं। सेठ ने कहा कि फिर मुझसे पूछा क्यों, और पूछा है तो उसे पूरा करो, धरती पर तो अन्याय होते देखा है पर यहां पर भी अन्याय है। यमराज ने सोचा, बात तो ये सही कह रहा है, इससे पूछकर बड़े बुरे फंसे, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति ही नहीं है जिससे इस जीव की इच्छा पूरी हो जाए। विवश होकर यमराज उस सेठ को ब्रह्मा जी के पास ले गए और पूरी बात बता दी। ब्रह्मा जी ने अपनी पोथी निकालकर सारे पन्ने पलट डाले, लेकिन उनको कानून की कोई ऐसी धारा या उपधारा नहीं मिली जिससे जीव की इच्छा पूरी हो सके। ब्रह्मा भी विवश होकर यमराज और सेठ को साथ लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और समस्या बताई। भगवान ने यमराज और ब्रह्मा जी से कहा, जाइए अपना अपना काम देखिए। दोनों चले गए। भगवान ने सेठ से कहा, अब बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? सेठ बोला, अजी साहब, मैं तो शुरू से एक ही बात कह रहा हूं कि पाप का फल भुगतने को तैयार हूं, लेकिन पुण्य का फल आंखों से देखना चाहता हूं। भगवान बोले, धन्य है वो सदगुरु, वो मजदूर जो मरते मरते तेरा कल्याण कर गया। अरे मूर्ख, उसके बताए उपाय के कारण तू मेरे सामने खड़ा है, अपने आंखों से इससे और बड़ा पुण्य का फल क्या देखना चाहता है? मेरे दर्शन से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए। इसीलिए बचपन से हमको सिखाया जाता है कि गुरुजनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए, पता नहीं कौन सी बात जीवन में काम आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।